परम सत्कार योग सत्संग जीओ सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जीओ सब तो पहला मैं आप जी का इत्थे आया दा स्वागत करता हाँ अते धन्नवाद करता हाँ ते नाल ही बेनती करता हाँ जो स्रोते चाह पी रहे हैं जां बाहर खड़े हैं उन्हां सारयां नूं बेनती है कि आपां जो भी काम लिखिया है टाइम दे नाल करना है सो आपां लेट हो रहे हैं। जे लेट होवांगे तां अपने कई काम अधूरे रह जाणगे। जो सिख पंथ दे खालसा दे काम हन उस टाइम दे नाल ही चंगे लगदे हन। यह ना होवे असीं लीक दे रह जाईए पर उसनों संपूर्ण ना कर सकीए। अगर समय दे नाल ही असीं आरंभ करांगे तां ही समय दे नाल असीं इह काम संपूर्ण कर सकते हाँ। सत्संग जीओ गुरु साहिबां दा फुरमान है एक पिता एक इसके हम बारिस तू मेरा गुरहाई। सतगुरां ने गुरु नानक देव जी ने एक सिक्खी का फलसफा एक बूटा लाया सी जिस दे विच उन्होंने सारे इकट्ठे किया सांझा साहिब बाप हमारा। वो उस दे विच ऊंच नीच भेदभाव होर भी किसी तरह के भी दुर एक दूसरे के नाल दुरवैर रखण तो उन्होंने सारियां ही नूं रला के एक ऐसा बूटा लाया जिस दे उत्ते के वख वख फुल उगदे हन। अजकल तुसीं दुख देखे होणगे इत्थे फल भी हन फुल भी हन जुदे जुदे रंगां दे वख वख रंगां दे भिन्न भिन्न रंगां दे फुल ते फल भी लगदे हन। पंज पंज तरह के फल लगते हैं। गुरु नानक देव जी का यह फलसफा सी। उन्हां दा यह फलसफा नहीं सी कि किसी नूं बाहर रखना सारा इनकलूड करना एक्सकलूसिव कम्यूनिटी बनाई सी जिहड़ी अमेरिका दे विच इत्थे कई नॉन एक्सकलूसिव कम्यूनिटियां हन पर गुरु नानक देव जी ने वह कम्यूनिटी बनाई वह धर्म पैदा किया जिस दे विच कि सारयां नूं शमूलियत करके बराबर रख के सब नूं हिस्सा दिता। वह जो लोग पछड़े हुए सन पछाड़े हुए सन सदियों तो अज तो नहीं कई सदियों तो आप 5,00,000 या उस तो ज़्यादा भी गिनती की जा सकती जदों तो मनो सिमरतियाँ शुरू हुई मनोवादी शुरू होया उन्होंने सानू सारे लोगों असी आपस के एको जहाँ बराबर हाँ पर सानू भी बन के उन्होंने कतरी शूद बैर बना दिता आप अलीप रहे ब्राह्मण रहे। इस करके सानू तरीके तरीके दे नाल इस तरह वरते रहे जिस तरह के उस समय के लोग जोड़े सन भोले भाले सन। अज भी बहुत लोग अजे भी भोले भाले हैं जो डेरावाद जो बाबे हैं जिस तरह के सरसा का डेरा है आशुतोष का डेरा है नूर मैली का डेरा है। इन्होंने डेरिया ने साडे संगतां सिखां उस पास आकर्षित किया है। क्यों किया है क्योंकि वो इस तरह की जो लोग चाहते हैं उस तरह की वो सानू फलसफे देंदे हैं। पर गुरु नानक देव जी का जो फलसफा है ये थोड़ा जिहा इन्ना औखा नहीं समझना बहुत सौखा है अगर असी गुरु नानक देव जी के नाल उस दे नाल जुड़ जाते हैं तब सानू बड़ा आनंद आता है क्योंकि साडे वीर गुरुआं ने पीरां ने वह कुरबानियां दित्तियां लसानी कुरबानियां जिहड़ियां कि असी सदा ही याद रख सकते दुनिया के बेमिसाल साडी जो है बेमिसाल कौम जो साडी है इसका गिनतियां नहीं कीतियां जा सकदियां जो शहीद होए हैं। शहीदां दी गिनतियां करनियां बड़ी मुश्किल हैं। हिंदुस्तान की आजादी के विच जिहड़ी कि अज आजाद देश अपने आप नूं कहाउंदा है 87% कुरबानियां खालसा जी तुहाडियां हन 87% पर साडी गिनती किन्नी है सिखां दी सिर्फ 2% तों भी घट है इंडिया दे विच जिथे कि असी वो आजादी दे विच हिस्सा पाया 90% तों ज़्यादा हिस्सा पाया पर अज जो सानू उत्थे कोई सुण नूं तैयार नहीं उस ही देश दे विच सानू दूजे देश के वासी जां सानू ट्रेटर कह दिता है देश ध्रोही कह दिता है क्योंकि अज गुरुआं दा राज है। सा खालसा जी बेनती है जिहड़ियां कामां घट हुंदियां हन उन्हां ते इस तरह ही हुंदा है। सो आप जी नूं बेनती है असी लड़के कुछ नहीं लै सकते असी अपनी फलोसफी फलसफा अपना दिमाग वरतना दिमाग वरत के असी जो अपने हक मंगने हैं तो मंगने भी जरूर हैं क्योंकि हक मंगना हरेक इंसान हक है। सच अते हक की आवाज़
असी बुलंद करनी है। उस करद्या करद्या असी अपने हक जरूर लेने हैं। सतसंग जीओ गुरु बख्श करे कदे थोड़ा जो अपना देश कायम होएगा। सो मैं ज़्यादा टाइम आप जी का ना लेता है, फिर मैं आप सारिया संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो आप जी ने इतने जी आखता हाँ जिड़िया के ऑर्गेनाइजेशन अपने को बहुत दूरों तो आई हैं, न्यूयॉर्क तो, डैलस तो, ओरेगन तो, कैलिफोर्निया तो, बीसी तो, सारिया ही संगत जो आई हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर किसी का धन्यवाद कर तो रह गया उनकी मैं जाचक हाँ। सो आप हम प्रोग्राम आरंभ करना है जो